ओके, तो जैसे हमारे पास में क्वेश्चन है कि इंटीग्रल ऑफ सेक थीटा, तो हम क्या करते हैं, देर आर फ्यू क्वेश्चन विच वी हैव टू रिमेम्बर। तो इसमें हमने क्या किया, सेक थीटा, तो हमने इसको को मल्टीप्लाई कर दिया सेक थीटा प्लस 10 थीटा से, और उसी चीज से हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। और राइट, तो अगर किसी भी चीज को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करूं, सेम नंबर से डिवाइड करूं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। राइट, अब देखो तो ऊपर क्या बन गया, ऊपर बन गया सेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 10 थीटा, और हमारा यहां पे क्या बन गया डिनोमिनेटर में, 10 थीटा प्लस सेक थीटा इंटू अपना डी थीटा। अब देखो अगर मैं इसको बोल देता हूं टी, तो ऊपर मेरा क्या बन गया डी टी, कैसे, अज्यूम अपना सब्स्टिट्यूशन वाला फॉर्मूला जो था ना, हमने अज्यूम किया 10 थीटा प्लस सेक थीटा इक्वल टू टी। अब इस पूरी इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो इसका डेरिवेटिव क्या बन जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा, इसका डेरिवेटिव sec थीटा tan थीटा sec थीटा 10 थीटा, और इसका डेरिवेटिव बनेगा डी थीटा बाई थीटा। डी तो क्या थीटा बन जाएगा, sec स्क्वायर थीटा प्लस sec थीटा 10 थीटा इंटू डी थीटा इक्वल टू अपना डी टी। तो देखो sec स्क्वायर थीटा प्लस sec थीटा 10 थीटा इंटू डी थीटा, वो क्या बन गया मेरे पास में डी टी। तो हमारे पास क्या बन गया, 1/t, क्योंकि sec थीटा प्लस 10 थीटा क्या है, t इंटू डी टी। तो हमने क्या किया, सब्स्टिट्यूशन से जो हमारा इक्वेशन था उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दिया। अब देखो ये हमारा ये स्टैंडर्ड फॉर्म बन गया है, राइट। इसके एलएन बाद बन सर गया ये क्या होता है, एल एन टी प्लस कॉन्स्टेंट। अब हमने क्या किया, एल एन ये तो है ना टी, इसको हमने रिप्लेस कर दिया यहां से, 10 थीटा प्लस सेक थीटा प्लस सम कॉन्स्टेंट, तो ये हमारे पास में इंटीग्रल बन गया। और सेक थीटा के इंटीग्रल की हेल्प हमने हर जगह ली है, सेक यानी क्यूब थीटा के अंदर भी ली है, राइट। मॉडुलस हम इसलिए लगाते हैं क्योंकि तुमको मैथमेटिक्स में बताया होगा कि कोई भी जो लॉग होता है उसके अंदर की चीज है दैट इज ऑलवेज पॉजिटिव, इसलिए हमारे मॉड लगा देते हैं ताकि जो भी चीज है चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो वो अल्टीमेटली बन के पॉजिटिव बन जाए। ठीक है, अगर तुमको फिजिक्स के अपने उसमें देखना है ना, तो तुम इसको ऐसे भी लिख दो, ठीक है, इट्स राइट, इट्स ओके। क्यों, जिस बंदे ने फंक्शन को डिफाइन किया है उसने इस चीज का ध्यान रखा होगा कि 10 थीटा प्लस सेक थीटा इज हैज टू बी कॉन्स्टेंटली। किसको कॉन्स्टेंट लिया भाई, बोल दिया करो यार, उसके अंदर लिखा मत करो डी टी को आपने कौन, नहीं, डी टी तो अपना वेरिएबल है ना यार, ये क्या है टी और यहां भी क्या है डी टी, तो ये तो उस टाइप का फॉर्म बन गया अपना डीएक्स बाई डी एक्स, तो उसका क्या होता है इंटीग्रल अपना एल एन एक्स। ठीक है, तो मैंने इसको अज्यूम किया है, तो इसकी हेल्प से मैंने इस वाले फंक्शन को थोड़ा सा रिड्यूस किया, ये फंक्शन मेरा इसमें कन्वर्ट हो गया, और इस फंक्शन से मैंने जो कहा था स्टेप 1 2 3 थे, तो स्टेप 1 में हमारे पास आवाज आ रही है। हाँ सर, हाँ, यस तो मैं कह रहा हूं कि हमने क्या किया कि यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन लगाया, तो ये बन गया 1/t इंटू डी टी। तो इसका डेरिवेटिव हमको पता है स्टैंडर्ड फॉर्मूला से कि 1/x इंटू डी एक्स का क्या होता है, एल एन एक्स, एल एन टी, ये हमने लगा दिया इंटीग्रेशन वाला कॉन्स्टेंट। तो अब फिर हमने इसको रिप्लेस कर दिया टी को, हमने क्या अज्यूम किया टी को, टी वॉज अब 10x प्लस sec x, तो हमारा बन गया मतलब एल एन अपना 10x प्लस sec x। फाइन, यस हाँ, सर।
अगर मतलब अगर मैं वन बाय टी का ग्राफ बनाऊंगा तो फिर उसके अंदर जो एरिया कवर होएगा वो एल एन टी होएगा। यस सर, तो मतलब हमने इसका बेस ई आया था से वो नहीं, वो तो हमने अज्यूम किया है एक नंबर भाई जो तुमको बताया था ना, मतलब कि आइलर्स कांस्टेंट, तो वो एक नंबर है नंबर तो, बट वो आया था से वो अज्यूम। ओके अब बताओ पाई कहां से आया? सर पाई तो सर्कमफेरेंस और डायमीटर के उससे। एग्जैक्टली तो वैसे ही हमने जब इस वाली अपने ने इसको लिया ना सीरीज को लिया कि 1 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस फैक्टोरियल 1 अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन 4 प्लस 1 अपॉन 5 प्लस एंड सो ऑन, ये जो वैल्यू आई ये हमारे पास में क्या आई है? सर तो ई भी नॉन टर्मिनेटिंग है ना? हां नॉन टर्मिनेटिंग हुआ ना फिर ये। यस यस यस, जो ई है वो इनफाइनाइट तक जाता है, इसका एक्सपेंशन ये है मेरे पास, ठीक है ना? हाँ तो ये जो नंबर है इस नंबर को हमने बोला है कि तो ई इज ए कॉन्स्टेंट, ई इज ए नंबर जो कि ये है वो जिसका एक्सपेंशन सामने लिखा हुआ है ना, वो हमारे पास में ई है। ओके हाँ और कुछ? हाँ भाई बताओ बताओ, तो पाई का भी कुछ एक्सपेंशन होता है? हाँ होता है देखो, लेकिन देखो फंडा क्या है कि हम उस चीज को पढ़ते हैं जो चीज हमारे काम की है। पाई का एक्सपेंशन हमारे किसी काम में नहीं आने वाला है, तो हम पाई को पाई की तरफ कैन वी ड्रॉ द ग्राफ ऑफ एक्स? यस हाँ, अगर सपोज हमारे पास फंक्शन है वाई इक्वल टू वन बाई एक्स, हम इसका ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। बताओ एक्स सर आपने दिखाया था ऑलरेडी, एक फर्स्ट क्वाड्रेंट में कर्व जाते हैं, एक थर्ड क्वाड्रेंट में कर्व। यस जब हमारे पास में एक्स की वैल्यू कैसी है पॉजिटिव, तो वाई की वैल्यू भी कैसी आएगी पॉजिटिव, जब एक्स की वैल्यू कैसी है नेगेटिव तो वाई की वैल्यू भी नेगेटिव, ठीक है? तो इसका जो ग्राफ आता है वो ऐसा आता है। जब एक्स की वैल्यू बहुत ज्यादा है, देखो यहां पे अगर x की वैल्यू इनफाइनाइट होगी तो y की वैल्यू क्या बन जाएगी? जीरो। जब x की वैल्यू जीरो है तो y की वैल्यू इनफाइनाइट। सेम यहाँ पर सर, मतलब कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे ना ये दोनों लाइंस? इंटरसेक्ट कैसे कर सकते हैं? कोई एक नंबर प्लस है कोई एक नंबर माइनस है, दोनों नंबर इंटरसेक्ट कभी कैसे कर सकते हैं? सर तो फिर जब हम एरिया अंडर ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं इसके लिए तो वो आएगा नहीं क्या? तो हम जो एरिया अंडर ग्राफ है इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसका एरिया ln x आएगा, इसका एरिया ln x आएगा ये वाला। देखो ना जैसे इसका एरिया निकालने से इसका एरिया कौन सा आएगा? यहाँ वाला एरिया आएगा ना, ये वाला। सर पूरा आगे तक चल रहा है? नहीं नहीं नहीं, वो तो हमको अब भाई तभी तो हमने लोग हुआ ना लगाया था कांस्टेंट लगाया था। आज हम पढ़ेंगे डेफिनेट इंटीग्रल जिसके अंदर हमको स्पेसिफाई करेंगे कि ये यहां से लेकर यहाँ तक का एरिया बताना, मतलब सर ln x में स्पेसिफाइड थोड़ी ना है कि इतना इंटरवल आता है। हाँ तो अभी हम बताएंगे ना कि कहाँ से कहाँ तक निकालना है। सर तो फिर उसमें डेफिनेट कांस्टेंट आंसर आएगा? हाँ उसके अंदर वैल्यू फिक्स आएगी। भाई मुझे पता है कि ये जो मेरा जो है शेडेड जो है रीजन है इसका एरिया इज ए कॉन्स्टेंट, यू कैन नॉट पुट एनी वेरिएबल देयर, फाइन? तो आज हम वही करने वाले हैं। ओके जैसे सर, तो अगर नहीं दिया रहता कि सी की वैल्यू क्या है क्या या फिर मैक्सिमम लिमिट क्या है, तो उसका पूरा एरिया रहता ना? यस वो ग्राफ का। यस यस पूरा एरिया। हाँ तो इसीलिए हम है ना उसको लगाते हैं कांस्टेंट को लगाते हैं। तो जैसे कि आज हम करेंगे डेफिनेट इंटीग्रल। डेफिनेट इंटीग्रेशन का मतलब क्या हुआ? जैसे हमने बोला कि जैसे एक सिंपल सी बात करते हैं, हमने एक फंक्शन निकाला था कि dy by dx, राइट? इसको हम बोलते थे स्लोप।
ये हमने किया हुआ है ना स्लोप, इसको हमने बोला था डिफरेंशिएशन। उसके बाद में हमने इंटीग्रेशन किया था। इंटीग्रेशन का मतलब क्या बताया था मैंने, जब हमने पहली क्लास में इंटीग्रेशन स्टार्ट किया था तो एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व क्यों हमने क्या बोला था, हमने बोला था एफ एक्स इंटू डी एक्स, राइट। तो मतलब क्या हुआ था कि अगर ये हमारे पास में है एक्स, ये हमारे पास में वाई एक्सिस, और ये कोई हमारे पास में एरिया है, एरिया नहीं कोई हमारे पास में फंक्शन है एफ एक्स, तो एफ एक्स इंटू डी एक्स की बात करते हैं। तो पहले तो हम बताएंगे कि अब dx का मीनिंग क्या होता है, व्हाट इज dx? अ वेरी स्मॉल वैल्यू, वेरी स्मॉल वैल्यू ऑफ द वैल्यू ऑफ x इज वेरी स्मॉल, मतलब कि जो dx की जो विड्थ है वो बहुत कम होनी चाहिए ना, राइट। तो हमने इसको dx बोला था ना, राइट। ये जो है ना विड्थ जो है, ये जो विड्थ है इसको हमने बोला था dx, मतलब कि x2 माइनस x1 की जो वैल्यू है दैट हैज टू बी वेरी स्मॉल। तो देखो ना मेरे पास, अब ये जो स्ट्रिप है इसका एरिया कितना होगा, इसका एरिया क्या बन जाएगा, कहते हैं तुम्हारा रेक्टेंगल बन गया ना ये, इसकी हाइट कितनी है fx, fx, और इसका विड्थ कितना है अपना dx। तो हमारा एरिया कितना बन गया fx into dx। बट जो मेरा ये जो साइन है इंटीग्रेशन जो साइन है इसका मीनिंग होता है समेशन, मतलब इस टाइप के बहुत सारे स्ट्रिप बनाए मैंने, ये बना दिया जॉइंट भी रह सकते ना सर सब। हाँ हाँ नहीं ये तो एग्जांपल है, मतलब कि कंटिन्यूस है, यहां पे मैं इसको भी ले रहा हूं, यहाँ पे मैं इसको भी ले रहा हूँ, सबको ले रहा हूँ। ओके सर, ठीक है। तो इसको अगर मैं इंटीग्रेट करता हूं तो इंटीग्रेशन का मतलब होता है समेशन, और कौन सा समेशन, तुमको समेशन के दो मेथड बताए थे, एक होता है कंटिन्यूस एक होता है डिस्क्रीट, याद है? जैसे अगर मैं बोलूं एक सिग्मा था और एक इंटीग्रेशन था, हाँ एक तो ये होता है, इसका मतलब क्या होता है डिस्क्रीट, तो यहां पे मैं क्या लगाता हूं सिग्मा, लेकिन जब यही फंक्शन मेरा कंटिन्यूस फंक्शन बन जाता है तो मैं इसी फंक्शन को काम में क्या लेता हूं अपना इंटीग्रेशन, यस ठीक है। तो हमने क्या किया, सपोज इस फंक्शन का मुझे यहां से निकालना है, ये इस फंक्शन को मैंने बोला x इक्वल टू a, और ये जो फंक्शन है ये यहां पे मैंने बोल दिया x इक्वल टू b, मतलब हमको कितना एरिया निकालना है, मतलब हमको इतना एरिया निकालना, ये। तो पहली बात तो हमको इंटीग्रेशन निकालना है, लेकिन हमको x की क्या लिमिट है, मतलब x हमारा कहां से कहां तक जा रहा है, x ये यहां a टू b, तो इसको हम बोलते हैं x इक्वल टू a से x इक्वल टू b, मतलब जो एरिया तुमको फाइंड आउट करना है वो कहां से कहां तक का करना है, x इक्वल टू a से x इक्वल टू b। तो इसका जो आंसर आता है वो हमारे पास में आता है f, सपोज इसको तुमने इंटीग्रेशन किया तो तुम्हारे पास ये आ गया कैपिटल x, तुमने लिमिट लगाई x इक्वल टू a से x इक्वल टू b, ठीक है। इसको हम ऐसे लिखते हैं कि f ऑफ b माइनस f ऑफ a, ये हमारे पास है। अब यहां पे तुमको कांस्टेंट लगाने की जरूरत नहीं, क्यों, क्योंकि तुम्हारे पास में डेफिनेट वैल्यूज हैं, इसीलिए हम बोलते हैं इस वाले इंटीग्रेशन को डेफिनेट इंटीग्रल। डेफिनेट इंटीग्रल का मतलब हुआ कि जो भी तुम्हारा कर्व है, यहां तुम्हारे पास में कर्व है, इस कर्व का एक्स एक्सिस के साथ में कितना एरिया बन रहा है। सर एक बार अगर स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन प्लॉट करते तो आपने वो एग्जांपल दिया था कि एक में टू एक में सर, तो फिर उसमें भी उसमें तो थोड़ा एरिया ऐड हो रहा है ना एक्स्ट्रा। हाँ जैसे अपने सिंपल एग्जांपल से स्टार्ट करते, सिंपलेस्ट एग्जांपल, ओके ट्रेपेजियम का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है बताओ मुझे,
हाँ भाई h into half into h into s1 minus s2 into distance between yes fine okay अब मुझे बताओ मैंने लिखा कि एक मेरे पास में इक्वेशन है y equal to x plus 4 fine okay मैं क्या करता हूं कि इसका अपने ने ग्राफ है ना प्लॉट करता हूं y equal to x plus 4 इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप कितना है one. y equal to mx plus c और जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू कितनी है 4 मतलब कि ये लाइन यहां से पास हो रही है राइट ये हमारे पास में y एक्सिस ये हमारे पास में x एक्सिस और ये मेरे पास में लाइन है y equal to x plus 4 सही है भाई ओके हमको एरिया क्या निकालना है हमको इसका एरिया निकालना है सपोज ये यहां पे हमने दे दिया x equal to 4 और ये हमने बोल दिया x equal to 1 हमको जब जब मैंने x की वैल्यू है 1 तो हमारे पास अपने y का वैल्यू कितना आएगा x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू 5 तो मतलब कि यहां से यहां तक की जो हाइट है वो 5 जब x की वैल्यू 4 है तो हमारे पास y की वैल्यू कितनी आएगी 8 तो अगर मुझे एरिया निकालना है मैंने तुमको स्पेसिफाई कर दिया कि एरिया व्हेन x इज गोइंग फ्रॉम x इक्वल टू 1 टू 8 तो हमको इतना एरिया निकालना है राइट ये वाला एरिया तो बताओ इसका एरिया कितना होगा इस एरिया को रिप्रेजेंट कर दिया डेल्टा से ये क्या बन गया ट्रेपेजियम बन गया ना यस ओके इसका एरिया कितना होता है ट्रेपेजियम का हाफ इनटू 5 प्लस 8 हाफ इनटू जो पैरेलल साइड है उनका समेशन ओके तो इसकी ओके इसकी हाइट कितनी है इस वाली साइड की 8 इसकी 5 तो कितना हो गया 13 यस राइट ओके इनटू पैरेलल साइड के बीच का डिस्टेंस 1 4 इनके बीच का डिस्टेंस कितना हो गया 3 तो इसका एरिया कितना होना चाहिए 39/2 कितना होना चाहिए सर 39/2 होना चाहिए सर 39/2 हां 2 राइट राइट फाइन अब इसी क्वेश्चन को अपने इंटीग्रेशन वाले मेथड से करते हैं राइट तो जैसे ये मेरे पास फंक्शन है इस फंक्शन को मैंने बोल दिया fx फाइन अब हमने इंटीग्रेशन किया इंटीग्रेशन fx * dx तो क्या बन जाएगा x plus 4 * dx तो क्या हो जाएगा बताओ इसका इंटीग्रेशन क्या होगा x square by 2 plus इसे क्या हो जाएगा 4 का 4x कितना आता है x square by 2 plus हां भाई देखो यहां पे सिंपल x है तो x की पावर कितना हो गया 1 तो x की पावर जो 1 है उसे क्या हो जाएगा x की पावर 1 plus 1 upon 1 plus 1 यहां पे 4 है 4 है क्या हो जाएगा 4 into x अब अब मैं यहां पे लगाता हूं लिमिट ये तो चीज है ना इसको बोलते हैं लिमिट मतलब जो तुम्हारा वेरिएबल है उसकी वैल्यू कहां से कहां तक जा रही है तो बताओ मेरा जो वेरिएबल की वैल्यू कहां से कहां तक जा रही है एक्स से 4 मैंने लिखा एक्स इक्वल टू 1 से एक्स इक्वल टू 4 अब मैंने क्या किया पूरे फंक्शन की वैल्यू को मैंने ये कर दिया हमारे पास फंक्शन क्या है ये है ना फंक्शन तो ये जो चीज है इसको बोलते हैं अपर लिमिट मतलब कि जो तुम्हारा वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट वैल्यू कितनी है इसको बोलते हैं लोअर लिमिट मतलब फंक्शन में जो तुम्हारा वेरिएबल है उसकी ये मिनिमम वैल्यू कितनी है फाइन तो हमारे पास बनता है x square plus 4x तो बताओ इसकी क्या बनेगी लिमिट लोअर लिमिट कितनी है इसकी 1 और इसकी अपर लिमिट 4 तो मैंने लिखा 1 टू 4 तो हमारे फॉर्मूला क्या कहता है कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट
तो पूरे फंक्शन के अंदर हमने पहले x की वैल्यू क्या पुट कर दी, 4, तो क्या बन जाएगा, 4 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू, एक सेकेंड, एक्स स्क्वायर बाय 2 था ना ये, ओके 2 16 बाय 2 प्लस 16 4 इंटू 4 ठीक है, माइनस हाफ प्लस 4। अब हमको x की वैल्यू डालनी है 1, तो मैं क्या करूंगा, 1 का स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 4 इंटू 1। अब हमारे पास में इंटीग्रेशन कांस्टेंट नहीं आया, क्यों, लिमिट डिफाइन है। हाँ, अभी हमको फंक्शन की एग्जैक्ट वैल्यू पता है कि फंक्शन में कहां से कहां तक का एरिया हमको फाइंड आउट करना है। तो देखो ये क्या बन जाएगा, ये कितना बन गया 16 बाय 2 कितना होता है 8 प्लस, ये कितना होता है 16 माइनस 1 बाय 2 प्लस 4, तो ये हमारे पास में कितना बन गया टोटल बताओ, 39 बाय 2 ठीक है। तो देखो यहां भी हमारे पास 39/2 आया, यहां भी हमारे पास 39, तो मतलब क्या हुआ कि अगर तुमको किसी भी फंक्शन का एरिया निकालना है तो या तो हमारे ज्योमेट्री वाले मेथड से निकाल लो या हमारे इंटीग्रेशन वाले मेथड से निकाल लो, ठीक है। तो हमारा जो आंसर आएगा वो सेम है, हाफ का स्क्वायर नहीं किया, नहीं नहीं हाफ का स्क्वायर नहीं करना है, देखो ना स्क्वायर किसका हो रहा है, मतलब एक्स का स्क्वायर हो रहा है ना, हाफ का थोड़ी स्क्वायर हो रहा है, तो मैं एक्स की वैल्यू कितनी है 1, तो मुझे सिर्फ जो ऊपर वाले नंबर है इसका स्क्वायर करना है, नीचे वाले नंबर का स्क्वायर नहीं करना। अगर ये इक्वेशन का स्लोप दिया है तो फिर हम नहीं निकाल सकते ना एरिया, मतलब अगर ये इक्वेशन का खाली स्लोप दिया हुआ है तो हम नहीं निकाल सकते ना एरिया। नहीं यार स्लोप से कैसे निकालोगे, जैसे एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, सारे की सारी लाइन का स्लोप सेम है, क्योंकि देखो ना थीटा 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 थीटा, लेकिन सारी लाइन का जो एरिया आएगा वो अलग अलग आएगा ना, तो इसलिए हम ये करते हैं, तो हमको इसको याद रखना ठीक है। ओके सो अगर इसको पूरा समराइज करें तो हमने क्या किया हुआ है, हाउ डिड यू भाई, मैंने क्या किया, हमारे पास जो x की वैल्यू है वो सपोज यहां से आ रही है माइनस इनफाइनाइट से, तो माइनस इनफाइनाइट से मैंने यहां तक का एरिया निकाला और माइनस इनफाइनाइट से मैंने यहां तक का एरिया निकाला, उन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो मेरे पास क्या बच जाएगा, ये बच जाएगा ना इतना एरिया, तो हमने वही किया। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि जो फंक्शन है उसकी अपर लिमिट माइनस उसका लोअर लिमिट, उसका जो डिफरेंस आएगा वो हमारे एरिया को रिप्रेजेंट करेगा। कैसे किया हमने, जैसे हमने एक सिंपल सा एग्जांपल लिया, हमने बोला कि सपोज हमारे पास में एक फंक्शन है x plus 4, तो पहले हमने अपने ज्योमेट्री वाले मेथड से किया, तो हमारा अपने ज्योमेट्री क्या बोलता है कि x equal to 4 is a straight line, तो हमने स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ कर दिया और हमको मतलब एरिया फाइंड आउट करना बस इतना, ये वाला, जब तुम्हारे पास में x की वैल्यू 1 से x इक्वल टू 4 तक है, तो ये जो स्ट्रक्चर है ये हमारे पास में क्या बन गया, ट्रेपेजियम, देखो ना सर, डेफिनेट डिफरेंशिएशन भी होता है क्या, नहीं वो तो स्लोप है ना, स्लोप इज ऑलवेज अपन डेफिनेट, बट सर अगर आप अलग अलग एक कर्व है जो अनइवन है उसमें अलग अलग पॉइंट्स पे अलग अलग होता है ना, हाँ हाँ तो अपने डिफरेंशिएशन जब भी तुम बोलते हो तो तुमको स्पेसिफाई करना पड़ता है ना कि कौन से पॉइंट पे टेंजेंट, जैसे इसमें बोलते हो कि कौन से पॉइंट तक हमारा ये, हाउ यू गॉट 13 कहां पे है 13, ओके ओके चलो यहां पे आओ पहले, ट्रेपेजियम ये बन गया, इक्वेशन है y इक्वल टू x प्लस 4, जब x की वैल्यू 1 है, ये लिखा ना x इक्वल टू 1,
तो हमारे पास y का वैल्यू कितना आएगा, x इक्वल टू वन डाला, 4 + 1 = 5, तो यहां से यहां तक का हाइट कितना हो गया 5. जब x की वैल्यू 4 है तो 4 + 4, y की वैल्यू क्या बन गया 8. अब मुझे बताओ ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है. हाँ भाई, ट्रेपेजियम का एरिया हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड, हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट, पैरेलल साइड के बीच का डिस्टेंस. तो देखो ये साइड और ये साइड पैरेलल है, इसका हाइट कितना है 5, इसका हाइट कितना है 8, तो इन दोनों का समेशन कितना हो गया 13 इनटू पैरेलल साइड के बीच का डिस्टेंस, ये 4 है ये 3 है, इनके बीच का डिस्टेंस कितना हो गया 3 इंटू 3, तो कितना हो गया 39/2. तो ये हमने एरिया फाइंड आउट कर लिया बाय ज्योमेट्रिक. हमने इसके अंदर कोई भी अपना डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन का फॉर्मूला अगर नहीं लगाया, ठीक है. उसके बाद हमने क्या किया, हमने इससे किया अपने इंटीग्रेशन वाले मेथड से कि फंक्शन मेरे पास में क्या है x + 4, तो मैंने लिखा x + 4 × dx. बताओ इसका डेरिवेटिव क्या होगा, x का डेरिवेटिव क्या होता है x² / 2, 4 का डेरिवेटिव क्या बन जाएगा 4x, ठीक है. अब हमने लगाया उसका लिमिट, x की वैल्यू कहां से स्टार्ट हो रही है 1 से और कहां तक जा रही है x = 4 तक. तो पहले पूरे फंक्शन के अंदर मैंने क्या डाला अपर लिमिट, तो अपर लिमिट डाला तो मैंने यहां पे डाला 4, क्या बन जाएगा यहां पे आओ 4 square upon 2 + 4 × 4, हमने x को रिप्लेस कर दिया 4 से, माइनस हमने क्या किया आपने ना लोअर लिमिट, लोअर लिमिट क्या है मेरे पास में 1, तो मैंने डाला 1, तो क्या बनेगा 1/2 और 4 × 1. हाउ x, वो तो भाई हमने स्पेसिफाई किया है ना कि हमको यहां से यहां तक का ही एरिया चाहिए. वो क्वेश्चन तुमको मैंने दिया है कि तुमको इतना ही एरिया निकालना है, ठीक है. जब पूरा सॉल्व किया तो कितना है 39/2, मतलब अगर मैं ज्योमेट्री वाले मेथड से आंसर निकालूं या फिर मैं अपने इंटीग्रेशन वाले मेथड से आंसर निकालूं, आंसर मेरे पास सेम आएगा, ठीक है. चलो इसके एग्जांपल करते हैं, फिर तुम्हारे पास में समझ में आएगा, ठीक है. चलो इसको लिखो पहले. लिख लिया सर, हो गया. हो गया, सबने लिख लिया. यस सर. चलो देखो अब इसके एग्जांपल कैसे होंगे. ओके, एक बात बताओ, मैथमेटिक्स के अंदर तुम्हारा अभी क्या चल रहा है? लॉग लॉग ट्रिग्नोमेट्री हो गया? नहीं सर, चालू नहीं ना. ये क्या फॉर्मूला बताया होगा ना, साइन ए प्लस साइन बी. हाँ सर, वो तो हाँ, वो तो आपने बता दिया, आपने बताया था, मैंने बताया. मुझे बताओ कि साइन अपना 0° कितना होता है? 0 0 0. साइन अपना 90° 1 1 1. साइन अपना 180° 0 0 0 0. अरे इसको लिख सकता हूँ ना, 90 + 90 है फॉर्मूला, है ना, साइन ए प्लस साइन. ओके, अब सपोज तुमको मैंने क्या क्वेश्चन दिया, मैंने तुमको क्वेश्चन दिया फाइंड इंटीग्रल लिमिट. पहले मैंने बोला साइन एक्स इंटू डी एक्स, बताओ क्या होता है इसका इंटीग्रल? माइनस कॉस एक्स. अब यहाँ पे तुम क्या लगाते थे, कॉन्स्टेंट लगाते थे ना? यस, लेकिन अभी हम वो नहीं करेंगे. अभी हम क्या करते हैं, साइन एक्स का ये बनाते हैं, ग्राफ बनाते हैं. यहाँ पे मैंने लिखा एफ एक्स, यहाँ पे लिखा एक्स. तो जब मतलब एक्स की वैल्यू 0 है तो वाई की वैल्यू भी 0. जब एक्स की वैल्यू कितनी आई, 5/2, तो हमारे पास में साइन 5/2 कितना होता है? 1. साइन 5/2, 5/2 का मतलब कितना होता है? 90 डिग्री. तो मतलब साइन 5/2 1. तो ये जो हमारा ग्राफ, और फिर हम यहाँ पे आ गए, ये मैंने बोल दिया पाई.
जीरो ये सही है yes, ये जो स्ट्रक्चर है कहते सर्कल नहीं है ये। अब सपोज तुमको किसी ने बोला कि तुमको यहां तक का एरिया निकालना है बस ये वाला ये एरिया, तो अगर तुमको इतना एरिया निकालना है ये वाला कहते शेडेड वाला, तो तुम लिखोगे कि जीरो से पाई बाई टू। भाई यहाँ पे एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक जा रही है, यहाँ पे एक्स की वैल्यू कितनी है जीरो, यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है पाई बाई टू। अब यहाँ पे तुम लगाओगे लिमिट, तुमने लिखा जीरो, तुमने लिखा पाई बाई टू। अब तुमको कांस्टेंट लगाने की जरूरत नहीं है बिकॉज एरिया इज अ डेफिनेट वैल्यू, यू कैन नॉट पुट सम रैंडम कांस्टेंट देयर। अब देखो, अब तुमको क्या बताया था, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये तो साइन है माइनस, इसको मैंने ऐसे माइनस कॉस पाई बाई टू, मैंने लिखा कॉस पाई बाई टू माइनस कॉस जीरो। देखो ना, जो माइनस साइन था वो मैंने बाहर ही रखा, कॉस के साथ में पहले मैंने पाई बाई टू लगाया, फिर मैंने क्या लगा दिया जीरो लगा दिया। ये क्या होता है कॉस पाई बाई टू भाई, जीरो का आंसर प्लस वन, प्लस वन हाँ। जीरो माइनस ये कितना होता है वन, वन, तो एरिया कितना हो गया वन। जो भी तुम्हारा यूनिट है, अगर कहते सेंटीमीटर में है तो एरिया क्या बन जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, अगर मीटर में है तो एरिया क्या बन जाएगा मीटर स्क्वायर, हमको उससे मतलब नहीं है, वी आर इनटू नंबर्स। तो ये जो एरिया है इसकी वैल्यू कितनी होती है वन। अब बताओ अगर तुमसे कोई पूछे कि आई जीरो से पाई साइन एक्स इंटू डी एक्स, इसकी वैल्यू क्या आएगी बताओ, हाँ भाई बताओ टू हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, देखो यहाँ से यहाँ का डायग्राम और यहाँ से यहाँ का जो डायग्राम है वो कैसे सिमेट्रिक है, तो अगर ये एरिया वन है तो पूरा कितना बन जाएगा, मैंने लिख दिया टू। सही है हाँ सर। ओके अब देखो, चलो ठीक है मैं एक बार इसको लिखो फिर आगे और क्वेश्चन करते हैं। लिख लिया सर सबने, लिख लिया सर जी। जब भी मैं ऐसा पूछता हूँ कि सब कुछ लिख लिया है तो ऐसे बच्चे बोला करो जिसने लिखा नहीं है, ठीक है सबका हो गया ठीक है चलो आगे आओ सर। अब जैसे अपने एग्जांपल लेते हैं, मैंने तुमको इंटीग्रल दे दिया एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन इंटू डी एक्स, और ये मैंने दिया एक्स इक्वल टू माइनस वन से एक्स इक्वल टू वन, तो बताओ इसका एरिया, इसकी वैल्यू क्या आएगी, पाई बाई टू का मतलब क्या होता है भाई, जो पाई है पाई जस्ट नंबर, हमारे पास इस वाली इक्वेशन में इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है x, तो मैं x को तो मैं इस वाले एक्सिस पे किसी पॉइंट पे रख सकता हूँ ना, इसका वैल्यू क्या होता है पाई का वैल्यू 3.14 by 2, ये कितना हो जाएगा 3.14, बताओ इसका आंसर क्या आएगा, यस 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 भाई 8 by 3 स्केलिंग तो हमारी मर्जी है ना, मैंने इसको पाई बोल दिया, 8 by 3 हम हमेशा स्केल लेके थोड़ी ना मेजर करेंगे कि 1 सेंटीमीटर हो गया 2 सेंटीमीटर हो गया, स्केल तो हमारी मर्जी है कितना भी ले सकते हैं। हाँ भाई बाकी लोग भी सॉल्व करो, कितने बच्चे हैं टोटल 70 में से एटलीस्ट 50 का आंसर तो आना चाहिए। देखो कैसे, पहले हमको सिंपल इंटीग्रेशन ही करना है, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है एक्स क्यूब बाई थ्री एक्स क्यूब बाई थ्री प्लस टू,
प्लस यहाँ पे लिखा मैंने टू एक्स, यहाँ पे एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है स्क्वायर बाय टू प्लस वन का डेरिवेटिव एक्स, अब यहाँ पे लिमिट एक्स माइनस वन से वन ओके वन यहाँ पे माइनस वन है ना ठीक। तो पहले हम क्या लगाते हैं अपर लिमिट, बाद में लगाते हैं लोअर लिमिट। तो हमने लिखा क्या बन जाएगा वन बाय थ्री, यहाँ पे रखोगे वन तो क्या बन जाएगा प्लस वन प्लस वन माइनस, जब मैंने यहाँ पे रहोगे माइनस वन माइनस वन बाय थ्री वन बाय थ्री, जब यहाँ पे रखोगे प्लस वन प्लस वन माइनस वन, तो ये कितना बन गया टू, तो एट बाय थ्री टू बाय थ्री प्लस टू सेवन बाय थ्री एट बाय थ्री सर एट बाय थ्री एट बाय थ्री नहीं यार यहाँ सेवन बाय थ्री आएगा सर टू बाय थ्री प्लस माइनस टू हो जाएगा, इस वन से ये बन गया तो यहाँ पे कितना बचा माइनस वन बाय थ्री। अब यहाँ पे सर हम फाइनल आंसर हम फाइनल बोल रहे थे सॉरी गुड 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 हाँ ठीक है। तो हमको सिंपल इंटीग्रेशन ही फाइंड आउट करना है, बट हमें क्या करना है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, उससे हमारे पास नहीं रिया फाइन। हाँ भाई अगर ये आंसर किसी का नहीं आया तो बताओ कौन कौन ऐसे हैं जिसको ये चीज समझ में नहीं आई, जिसका नहीं आया भाई उसको बोलना है, सबको आ गया। हाँ भाई यस सर यस सर यस सर यस सर गुड ठीक है। तो हम ऐसे ही सारे क्वेश्चन कर सकते हैं भाई, तुमको इंटीग्रेशन के जो है मेथड्स हैं वो तो ऑलरेडी बता दिए हैं, अभी बस एक न्यू चीज आई है जो ये बोलती है कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो जो भी हमने क्वेश्चन किए थे उन सारे क्वेश्चन को हम फिर से कर सकते हैं, जैसे अभी तुमको एग्जांपल देता हूं ठीक है। तुमको निकालना है इंटीग्रेशन जीरो से टू एक्स प्लस टू इंटू डी, इनका आंसर बताते जाओ बस। हाँ चलो इनके आंसर बताओ तीनों के। सर पहले का सिक्स है, पहला सिक्स है, पहले वाले का सिक्स है, हाँ पहला सिक्स है, और आगे वाले दोनों सर दूसरा 20 बाय 3 होगा। कैसे कैसे मतलब वो सब वैल्यू पुट करके ओके थर्ड देखो भाई यहाँ पे x प्लस टू है तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, अगर सॉल्व करोगे ना तो x का इंटीग्रेशन हो जाएगा x स्क्वायर बाय टू, और जो टू है उसमें सेकंड का 26 बाय 2 आ रहा है जीरो से टू क्या 26 बाय 3 सेकंड का 26 बाय 3 ओके 20 सेकंड का 20 हाँ ठीक है जो भी आंसर है अपने पास रखो अभी अपन सॉल्व करते हैं ठीक है। अब यहाँ पे देखो अपर लिमिट कितनी है टू, लोअर लिमिट है मेरे पास में जीरो,
तो टू लिखा तो क्या आएगा, टू का स्क्वायर अपॉन टू प्लस टू इंटू टू माइनस क्या बन जाएगा जीरो, क्योंकि x की वैल्यू जीरो डालूंगा तो ये भी जीरो ये भी जीरो, तो मेरे पास कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा फोर बाई टू प्लस फोर, तो कितना आ गया सिक्स। अबे किस किस का आया सिक्स, मेरा सर मेरा, मेरा सर, सर। अब यहां पे आओ, ये है ये क्या है? किसी फंक्शन का स्क्वायर हो रहा है तो क्या बन जाएगा ये x प्लस वन का क्यूब अपॉन थ्री। अगर किसी चीज का स्क्वायर हो रहा होता है तो इंटीग्रेशन क्या बनता है, हाँ 26 बाई थ्री आता है, सॉरी। अब यहाँ पे लगाते हैं लिमिट x इक्वल टू जीरो से टू, तो क्या बनेगा जब x की वैल्यू डालोगे टू तो ऊपर क्या बनेगा थ्री का क्यूब अपॉन थ्री, जब x की वैल्यू डालोगे जीरो तो क्या बन जाएगा वन का क्यूब अपॉन थ्री, तो कितना बन जाएगा नाइन, नाइन माइनस वन बाई थ्री तो कितना हो गया 26 बाई थ्री। Yes. Sir, last वाला जीरो आएगा क्या? नहीं माइनस वन आता है। हाँ सर माइनस वन। माइनस। हाँ सर माइनस वन। अब देखो। ओके ओके दो लोग बोल रहे हैं। ओके ओके वेट वेट वेट। अरे वेट। जो लोग बोल रहे हैं जीरो और या फिर जो लोग बोल रहे हैं माइनस। जीरो से लेकर शायद प्लस। वेट 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 वेट। जीरो से पाई बाई फोर में तो ये जो फंक्शन है कैसा रहेगा पॉजिटिव, ये जो फंक्शन कैसा रहेगा पॉजिटिव, yes. तो मतलब जो तुम्हारा ग्राफ है वो हमेशा ऊपर ही रहेगा राइट right? तो अगर कोई चीज ऊपर है तो एरिया पॉजिटिव ही आएगा, नेगेटिव कैसे आ सकता है, ठीक है तो देखते हैं। बताओ इसका डेरिवेटिव क्या होता है साइन एक्स का, माइनस कॉस, माइनस कॉस एक्स, कॉस तो माइनस कॉस एक्स, और इसका क्या होता है कॉस एक्स का साइन एक्स, साइन एक्स प्लस वन है, हाँ प्लस आएगा ना। अब इसके लगाते हैं लिमिट एक्स इक्वल टू जीरो से एक्स इक्वल टू पाई बाई फोर, पाई बाई फोर का मतलब होता है 45 डिग्री राइट, तो जीरो आएगा सर। तो पहले मैंने क्या लगाया 45 डिग्री, तो मैंने क्या लगाया माइनस कॉस 45 डिग्री प्लस कॉस प्लस साइन, सेम तो होता है मैग्नीट्यूड साइन 45, ठीक है हाँ तो आगे देखते हैं ना हमको इसको भी लगाना है ना, हाँ सर तो वन हो जाएगा। ओके जब x इक्वल टू जीरो तो माइनस कॉस जीरो प्लस साइन सर वन आएगा, वन आएगा कॉस 45 साइन 45 कैसे होते हैं बराबर होते हैं ठीक है, तो ये तो जीरो बन गया माइनस, इसकी वैल्यू कितनी हो गई माइनस वन प्लस जीरो, तो आंसर कितना आ गया वन, तो इसका आंसर कितना आ गया वन। किस किस का आंसर वन आया, मेरा सर मेरा 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 सर मेरा मेरा मेरा, चलो चलो गुड 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 ठीक है ना, तो फाइन तो हम क्या करेंगे, हम आज के लिए बस इतना ही करेंगे, अभी तुम घर जाओ और मतलब घर में ही है ना, हाँ घर में ही हो, तो जो भी क्वेश्चन हमने किए हुए ना मतलब इंडेफिनिट इंटीग्रल वाले जिसके अंदर हमारे पास ना लिमिट्स नहीं थे, तो उन क्वेश्चन को ट्राई करो कि कोई भी लिमिट डाल के रैंडम लिमिट 1 to 2 2 to 3 व्हाटएवर यू वांट टू पुट, नहीं नहीं बस इतना ही करेंगे यार, इससे ज्यादा तुम हजम नहीं कर पाओगे ना, इट्स नॉट अबाउट कर लेंगे हाँ आज का लेक्चर, हाँ सर 7 to 9 physics है आज, 7 to 9 अभी तो आज सिर्फ 1.5 hour भी नहीं हुआ सर, हाँ अरे 7 to 9 सही है, लेकिन the thing is that if I teach you 2 hours you will not be able to and digest those things ना, तो कर लेंगे ना, कर लेंगे right sir, कर लेंगे हम लोग, नहीं तो मैं कह रहा हूँ ना कि जो भी तुम्हारे क्वेश्चन, नहीं हमारा इंटीग्रेशन खत्म हो गया, हमारा पूरा कैलकुलस खत्म हो चुका है, क्या बात है सर, सर वेक्टर चालू कर देते हैं सर, तो इसके अंदर सर नहीं तो लिमिट्स के हाँ क्वेश्चंस दे दीजिए ना, है ना, तो देखो ये जो होता है इसका कुछ एप्लीकेशन होता है, तो पहले तुमको वैल्यूज फाइंड करनी आनी चाहिए, अगर तुमको
डेफिनेट इंटीग्रल जो है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करने वाली है, तो कल जो हम अपने क्लास लेंगे उसके इनिशियल वन आवर में हम ये देखेंगे कि ये जो चीज है इसका एप्लीकेशन क्या है, मतलब हाउ वी कैन अप्लाई दोस थिंग्स, ओके। एंड आफ्टर दैट वी विल सी, थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन लेंगे अपने वेक्टर्स का, फाइन। तो द थिंग इज दैट वी नीड मोर प्रैक्टिस। हमारे पास जब भी हम फिजिक्स पढ़ते हैं तो हमारे पास में इसी चीज का एप्लीकेशन आता है, डेफिनेट इंटीग्रल का। हमारे पास में इंडेफिनेट इंटीग्रल आता ही नहीं है, क्योंकि जब भी अगर कोई तुमसे पूछेगा तो वो तुमको कहेगा ना कि भाई सुबह के 5 बजे से शाम के 5 बजे तक तुमने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, या फिर तुमने कितना वर्क किया, तुम्हारे पास एनर्जी कितना था। तो जब भी हम फिजिक्स पढ़ते हैं तो हमारे पास में डेफिनेट इंटीग्रल ही आता है, फाइन। तो जब तक कि तुम डेफिनेट इंटीग्रल की, जो तुमको अपना क्वेश्चन दिए थे ना 26 वाला अपना असाइनमेंट, यस, तो उसके अंदर एक काम करो, सारे के सारे क्वेश्चन के अंदर ये डाल लो लिमिट, लिमिट डाल लो एक्स इक्वल टू 0 टू एक्स इक्वल टू 1, ठीक है। एंड यू कैन, अरे जो तुम्हारा असाइनमेंट था ना लेक्चर 7 का था, 6 का था, लेक्चर 6 का 28 क्वेश्चन थे जिसके अंदर, जिसके अंदर मोस्ट ऑफ जो क्वेश्चन थे सब्स्टिट्यूशन के थे, राइट? यस यस सर। हाँ, तो उसके अंदर सारे क्वेश्चन में डाल लो लिमिट को एक्स इक्वल टू 0 से एक्स इक्वल टू 1, और सारे क्वेश्चन का आंसर निकालो, सबका आंसर सेम आना चाहिए। अब तो क्यों, डेफिनेट इंटीग्रल का मतलब क्या होता है कि एरिया, राइट, और एरिया सबका सेम ही आना चाहिए। भाई अगर मान लो मैंने तुमको ट्रेपेजियम दे दिया, एक सेम ट्रेपेजियम अगर मैं सबको देऊंगा तो जो मेरा आंसर आएगा वो सेम आना चाहिए, राइट? तो हमने क्या किया है कि जो अब डेफिनेशन है इसका, वो डेफिनेट इंटीग्रल का, उसको स्टडी कर लिया है, अब उसको अप्लाई करो। सारे क्वेश्चन जो भी तुमने इंडेफिनेट इंटीग्रल में किया है ना लेक्चर 6 एंड लेक्चर 5 में, सारे इंटीग्रल के अंदर अपने आप से लिमिट, देयर इज नो बाउंडेशन की मैं तुमको बोल रहा हूं, तुम अपने आप से वो डालो लिमिट और उस क्वेश्चन को सॉल्व करो, और सबके आंसर सेम आने चाहिए, फाइन। उसके बाद में वी कैन स्टार्ट द न्यू टॉपिक, वी कैन से कि ओके नाउ वी नो एवरीथिंग अबाउट द क्वेश्चन, फाइन। अगर तुमको कुछ अपने वो चाहिए ना, क्वेश्चन चाहिए तो मैं लिख देता हूं, ठीक है ना, अर्धस क्वेश्चन में लिख देता हूं, बाकी क्वेश्चन तुम अपने आप उसके अंदर देख लेना जैसे। बस ये लो, ये हमारे लिए होमवर्क क्वेश्चन है जिससे तुम प्रैक्टिस कर सकते हो।
सर एंगल देखो एंगल हो सकता है माइनस में एंगल देखो जैसे कि आप साइन थीटा की बात कर रहे हैं तो अपना साइन थीटा ऐसे हो सकता है ना भाई यहाँ पे अगर मैं लेता हूँ थीटा तो यहाँ का एंगल कैसा हो गया पॉजिटिव यहाँ का एंगल कैसा हो गया नेगेटिव ट्राई करो मैं अगली क्लास के अंदर मैं इनके आंसर बताऊंगा आंसर क्या होते हैं एक डाउट है हेलो